हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर सिस्टम। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि अगर आपको पेजिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पेजिंग या पेज टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि कंसीडर अ वर्चुअल एड्रेस स्पेस ऑफ 32 बिट्स। ओके, मीन्स वर्चुअल एड्रेस स्पेस जो है सेकेंडरी स्टोरेज, उसके लिए आप 32 बिट का एड्रेस जनरेट कर रहे हैं एंड उसमें आपके जो पेज साइज़ है वो 4KB है, मतलब हर एक पेज आपका 4KB का है, ठीक है। और जो आपका सिस्टम है, सिस्टम इज़ हैविंग अ रैम ऑफ 128 KB, आपका प्राइमरी मेमोरी 128 KB का है। देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ पेज टेबल एंड इन्वर्टेड पेज टेबल साइज इफ़ ईच एंट्री इन बोथ ऑफ इज़ ऑफ 4 bytes, ठीक है। मतलब आपको रेशियो बताना है पेज टेबल की साइज़ और इन्वर्टेड पेज टेबल की साइज़ का। तो और जब ये गिवन है कि जो हर एक एंट्री कितने बाइट्स की है, 4 byte की। ओके ओके, सो लेट्स सी हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ पेजेस कितने हैं और अगर हमें और ये पता होना चाहिए नंबर ऑफ़ फ्रेम्स कितने हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा अगर आपको कंसेप्ट बताऊं कि पेजिंग का कंसेप्ट क्या है, तो आपका जो वर्चुअल एड्रेस स्पेस होता है उसे हम पेजेस में डिवाइड करके रखते हैं। दीज आर पेज 0, पेज 1, नंबरिंग हमेशा 0 से की जाती है। इसके बाद जो आपका ये मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी को हम फ्रेम्स में डिवाइड करते हैं, फ्रेम, और ये पेजेस आके आपके इन्हीं फ्रेम्स में स्टोर होते हैं। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि फ्रेम साइज इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू पेज साइज, ठीक है। सो लेट्स सी द एग्जाम्पल इन डिटेल। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, पहले हमें क्वेश्चन ही हमारा है कि वी नीड टू नो वॉट इज़ द रेशियो ऑफ पेज टेबल साइज एंड इन्वर्टेड पेज टेबल साइज, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो हमारा वर्चुअल एड्रेस स्पेस है, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 2 parts में, कौन कौन से, नंबर ऑफ पेजेस एंड व्हाट इज पेज साइज, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले हम पेज साइज देख लें हमारा क्या है। पेज साइज गिवन है 4KB है, ठीक है। 4KB को हमने बाइट्स में कन्वर्ट किया तो ये क्या हुआ, 2 की पावर 10, मतलब 4 को हमने कन्वर्ट किया 2 power 2 में, और KB का मतलब क्या होता है, 2 power 10। K मीन्स 1 KB इज इक्वल टू 2 की पावर 10, ठीक है। तो ये मेरा बन गया पेज साइज इज इक्वल्स टू 2 की पावर 12 bytes, राइट। इसके बाद अब मुझे नंबर ऑफ पेजेस फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ पेजेस क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ पेजेस इज इक्वल्स टू वर्चुअल एड्रेस स्पेस अपॉन पेज साइज। वर्चुअल एड्रेस स्पेस आपको एड्रेस कितने बिट का गिवन है, क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो वो मुझे दिया हुआ है 32 bit का, एज यू कैन सी हियर, राइट। ये 32 bit का है, तो वर्चुअल एड्रेस स्पेस मतलब 2 power 32 अपॉन 2 की पावर 12 कर देंगे, ठीक है। तो पावर पावर माइनस हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2 की पावर 20, ठीक है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस मिले हैं 2 की पावर 20, और अगर इन पेजेस का मुझे एड्रेस बताना हो, ठीक है, तो एक पेज के लिए को रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट्स चाहिए होंगे मुझे, जो 2 की पावर में लिखा हुआ है वही उतने बिट्स चाहिए होंगे। तो नंबर ऑफ पेजेस को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें 20 bits चाहिए, ठीक है। 32 bit का टोटल एड्रेस है, तो आपका जो रिमेनिंग बिट्स हैं वो क्या हो जाएंगे, पेज साइज आपका बना देगा, ठीक है। तो हमने इतना फाइंड कर लिया कि हम जब हमारा ये जो वर्चुअल एड्रेस है, वर्चुअल एड्रेस इसे आप लॉजिकल एड्रेस भी कह सकते हैं, कि लॉजिकल एड्रेस को हम 2 parts में डिवाइड कर ले रहे हैं, कौन कौन सा, एक है नंबर ऑफ पेज और दूसरा है नंबर ऑफ ऑफसेट, ठीक है। तो नंबर ऑफ पेज हमें मिल गया, तो अब हम पेज टेबल का साइज़ कैलकुलेट करेंगे। उसको करने के लिए हमें क्या करना होगा, पेज टेबल का साइज़ क्या होता है, नंबर ऑफ पेजेस इनटू एंट्री साइज, कि हर एंट्री का साइज़ क्या है। तो लेट्स सी द क्वेश्चन अगेन। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो आपका जो पेज टेबल है इसमें हर एक एंट्री, इफ़ ईच एंट्री इन बोथ ऑफ साइज 4 byte, 4 byte की एंट्री है, ठीक है। सो इन दैट केस आपका जो साइज़ हो जाएगा पेज टेबल का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 20 इंटू 4 byte एंट्री साइज, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 22 bytes, ठीक है। तो एक पार्ट हमने सॉल्व कर लिया है, मतलब हमें पेज टेबल का साइज़ मिल गया, ठीक है। अब हमें फाइंड करना है कि इन्वर्टेड पेज टेबल का साइज़ क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि व्हाट इज़ इन्वर्टेड पेज टेबल, ठीक है। तो इन्वर्टेड पेज टेबल के केस में, इन इन्वर्टेड पेजिंग देर इज़ ओनली 1 page table फॉर ऑल प्रोसेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग 1 table। ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जो आपका जब नॉर्मल हम पेजिंग की बात करते हैं तो हम कहते हैं जितने भी प्रोसेस आपके सेकेंडरी स्टोरेज में हैं, ठीक है, वर्चुअल एड्रेस स्पेस में जितने भी प्रोसेस हैं, अगर हम कह रहे हैं 10 processes हैं P1 up to PN, ठीक है, P10, तो हर एक प्रोसेस का अपना एक पेज टेबल होगा, हर एक प्रोसेस का अपना एक अलग पेज टेबल होगा, मतलब P1 का पेज टेबल फॉर P1, पेज टेबल फॉर P2 एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन जब हम इन्वर्टेड पेजिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे जो है आपके पास सिर्फ
हर एक प्रोसेस का अलग अलग पेज टेबल ना हो के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक पेज टेबल होता है, कॉमन पेज टेबल होता है, ठीक है। सो इसीलिए हमने लिखा है इन्वर्टेड पेजिंग, देयर इज़ ओनली वन पेज टेबल फॉर ऑल प्रोसेस इन स्पाइट ऑफ हैविंग वन टेबल फॉर इंडिविजुअल प्रोसेस। ओके, सो नंबर ऑफ एंट्रीज इन इन्वर्टेड पेज टेबल क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। एंट्रीज जो है पेज टेबल की एंट्रीज कितनी होंगी? जितने आपके पास मेन मेमोरी में फ्रेम्स होंगे, ठीक है। तो लॉजिक क्या है, देखो हम लॉजिकल एड्रेस को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? एक होता है पेज नंबर और दूसरा पार्ट है पेज साइज, ठीक है। जो फिजिकल एड्रेस होता है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फ्रेम नंबर और फ्रेम साइज, ठीक है। ओके, तो अब हम किसकी बात करें, क्योंकि मुझे पता करना है नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एंट्रीज इन इन्वर्टेड पेज टेबल बता रहा है इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्रेम्स, तो मुझे पता करना है कि व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रेम्स जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइज ऑफ मेन मेमोरी, ठीक है, साइज ऑफ मेन मेमोरी अपॉन फ्रेम साइज। एंड मैंने बताया कि फ्रेम साइज इज ऑलवेज इक्वल्स टू पेज साइज। मुझे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि जो आपके पास जो पेज साइज है वो क्या है, 4 KB, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या किया है, मेन मेमोरी का साइज आपका था 128 KB, ठीक है, और आपके पास जो फ्रेम साइज या पेज साइज थे वो थे 4 KB, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ से कट गया और मुझे क्या रिजल्ट मिला, 32। मतलब नंबर ऑफ फ्रेम्स कितने हैं मेन मेमोरी में, आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स मेन मेमोरी में बने हुए हैं 32, ठीक है। तो 32 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कितने बिट्स हैं, इसको 2 की पावर 5 में 2 की पावर में कन्वर्ट कर लिया तो ये हो गया 5, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, हमारा जो ये था क्या कहते हैं मेन मेमोरी, ये 128 KB है। तो एड्रेस कितने बिट का हो जाएगा, 17 बिट का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। और इस 17 बिट के एड्रेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, पहला पार्ट होगा 5 और दूसरा पार्ट रिमेनिंग बिट्स क्या बन जाएंगी, 12, ठीक है। तो अब हम आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज़ साइज ऑफ पेज टेबल। अभी मुझे ये पता चल गया व्हाट आर टोटल नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। दिस इज़ नॉट पेज नंबर, दिस इज़ फ्रेम नंबर, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है। ओके, सो इन्वर्टेड पेज टेबल साइज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फ्रेम्स इंटू 4 byte। 4 byte क्या है, एंट्री साइज, ठीक है, हर एक एंट्री का साइज। और अब रेशियो हम कैलकुलेट कर लें, तो सी रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या किया है, पेज टेबल जो सिंपल पेजिंग का जो पेज टेबल है और इन्वर्टेड पेज टेबल दोनों को रख के और इसको हमने कैलकुलेट कर लिया है, 2 power 20 into 4 byte, 2 power 5 into 4 byte, तो हमें जो रेशियो मिला 2 की पावर 15 ratio 1। ओके, सो ये हमारा पूरा सॉल्यूशन है फॉर द रेशियो ऑफ इन्वर्टेड पेज टेबल एंड सिंपल पेज टेबल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, एंड थैंक यू।